हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 12 मई 2023 और 12 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 9 मई 2023 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 वर्ष हुए हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और APY यानी अटल पेंशन योजना के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2023 को 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सामाजिक सुरक्षा जाल और सस्ती बीमा खासकर असंगठित वर्गों से संबंधित लोगों को प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 वर्ष में की जीवन बीमा योजना है जो किसी कारण से मृत्यु के लिए 436 रुपये की प्रतिवर्ष प्रीमियम पर कवरेज प्रदान करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए 20 रुपये प्रतिवर्ष के साथ प्रीमियम का कवरेज प्राप्त करेगा। और अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्षों की आयु के बाद 1000 से 5000 तक न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, 2 मई 2023 को अरब लीग में शामिल किया है, किस देश को अरब लीग में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सीरिया, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक क्षेत्रीय दबाव को मजबूत करते हुए अरब लीग के निलंबन ने एक दशक से अधिक समय के बाद सीरिया को फिर से शामिल किया है। अरब लीग ने 10 साल से अधिक की अवधि के बाद सीरिया को फिर से शामिल किया है। यह निर्णय सीरिया के साथ संबंधों को सामान्यीकरण का संकेत नहीं देता, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना रुख निर्धारित करने की संप्रभुता है। सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, मिस्र और लेबनान सहित अरब राज्यों का एक समूह है। अरब लीग के महासचिव के साथ सीरियाई गृह युद्ध संकट को दूर करने के लिए सीरियाई सरकार के सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, मई 2023 में किस संस्थान ने बीमारी का पता लगाने के लिए सेंसर से लेस फेस मास्क बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिट्स पिलानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिट्स पिलानी। हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने बीमारी का पता लगाने के लिए सेंसर से लेस फेस मास्क तैयार किया है। BITS पिलानी हैदराबाद के MMNE लैब के शोधकर्ताओं ने सर्जिकल मास्क के साथ रियल टाइम अटैचमेंट के लिए किरीगामी आधारित स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल लेजर प्रेरित ग्राफीन सामग्री विकसित की है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, मई 2023 में फिच के वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विकास के पूर्वानुमान को कितने % तक कम कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6%, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। फिच के इस साल भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.2 से घटकर 6 कर दिया है। फिच रेटिंग ने 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 6.2 से घटाकर 6% कर दिया है, जो उच्च मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक मांग जैसे कारकों का कारण है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 में 6.7% की वृद्धि दर के साथ पलटाव की उम्मीद है, जो कि 6.9 के अनुमान से थोड़ा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में मुंबई इंडियंस ने IPL के इतिहास में सबसे तेज 200 रन अधिक रनों का पीछा करते हुए इतिहास रचा है, किस टीम को हराया है? RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है ना, मुंबई इंडियंस ने IPL के इतिहास में सबसे तेज 200 रन से अधिक रनों को पीछा करते हुए इतिहास रच दिया है। मुंबई इंडियंस ने सीजन में अपने दूसरे मैचअप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर घर में जीत हासिल की है। जीत में मुंबई इंडियंस को अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुँचा दिया है। उनको नेट
रन रेट में सुधार किया है। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 200 रन बनाने के लक्ष्य को पीछा करते हुए 16.3 ओवर में 6 विकेट रहते हुए सबसे तेज 200 प्लस रन का लक्ष्य हासिल किया है। सूर्यकुमार यादव ने जीत में अहम भूमिका निभाते हुए मैच 35 गेंदों में 83 रनों की तूफानी पारी खेली है, जबकि नेहल वढ़ेरा ने 34 गेंदों के में 52 रनों का योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सेना किस रैंक से ऊपर एक समान वर्दी रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रिगेडियर, ठीक है ना। सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी होगी। 1 अगस्त से भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी एक समान वर्दी पहनेंगे। निर्णय का उद्देश्य एक रूपता लाना और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति को सुव्यवस्थित करना है। निर्णय के हिस्से के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को हेडगियर, शोल्डर रैंक बेज, गोलगेट पैच, बेल्ट और जूते मानकीकृत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है, इस खिलाड़ी ने को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, तो फ़खर जमान को, फ़खर जमान यानी ए ऑप्शन राइट होगा। पाकिस्तान के बल्लेबाज फ़खर जमान को और थाईलैंड के कप्तान नारुमोल चायवाई को अप्रैल के लिए ICC मेंस और वेमेंस प्लेयर के रूप में नामित किया गया था। दोनों ODI में अपने देशों के लिए मैच विजेता प्रदर्शन किया था। फ़खर नवंबर 2022 में सिरदा अमीन के बाद मासिक पुरस्कार पाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ थाईलैंड की ऐतिहासिक एक दिवसीय श्रृंखला जीत के रूप में नारुमोल को लगातार उच्च स्कोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कितने मीटर के थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 88.67 मीटर, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया और एथलीट में दोहा डायमंड लीग में एक विश्व अग्रणी छाप छोड़ी है, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा ने ग्रेनेडा में विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को प्रभावशाली विश्व अग्रणी 88.67 मीटर से हराया है, ठीक है ना। पीटर्स ने पिछले साल दोहा में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 93.07 मीटर के साथ डायमंड लीग स्वर्ण जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो सैली एन फेजर प्रिंस को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। लॉरिसर स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित विजेताओं में लियोनन मैसी, सैली एन फ्रेजर प्रिंस और कार्लोस अल्किराज शामिल हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लियोनल मैसी को। क्या मिला है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है एन फ्रेजर प्रिंस को। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का मिला है अर्जेंटीना मेन्स फुटबॉल टीम को। वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कार्लोस अल्काराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है, कला दान परियोजना के तहत म्यांमार में 7वें बंदरगाह के लिए पहली खेप किस बंदरगाह की हरी झंडी दिखाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। भारत में मई 2023 में म्यांमार में 7वें पोर्ट के लिए शिपमेंट को हरी झंडी दिखाई है। भारत में कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसफॉर्मर प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में म्यांमार के 7वें बंदरगाह के लिए शिपमेंट शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत और म्यांमार के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाना है। म्यांमार में 7वें बंदरगाह के संचालन को शुरू करने के लिए कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से 1000 मीट्रिक टन सीमेंट से भरे एक जहाज को हरी झंडी दिखाई है। यह परियोजना $484 मिलियन की कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसे भारत से अनुदान सहायता से बनाया गया है। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पूर्वोत्तर और मुख्य भूमि भारत को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग
बनाना है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 और हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। आपका धन्यवाद।